हुकूमती इत्तेहादी डट गए। पार्लियामेंट के साथ खड़े रहने का अज़्म। वज़ीर आज़म की सिरे सदारत इत्तेहादी जमातों की बड़ी बैठक, भरपूर मज़ाहमत का फैसला। इत्तेहादियों ने कहा कि पार्लियामेंट बाला दस्त है। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान से मुज़ाकरात का फैसला JQI के मरकजी मजलिस से आमला करेगी। JUI के मरकजी मजलिस से आमला का भी इजलास जारी, 3 से 4 दिन। इजलास के बाद मुज़ाकरात का फैसला होगा। नून लीग ने मुज़ाकरात का मामला JUI के पलड़े में डाल दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामेंट की सतह पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारी हदूद में तजावुज़ किया गया तो आइन में रहते हुए इकदामात करेंगे। पार्लियामेंट को कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव नहीं चाहते। दोनों के टकराव से मुल्क और कौम को नुकसान होगा। ऑपोजिशन के साथ फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोस्तों की सख्त गुफ्तार सुनकर मायूसी होती है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि एक दूसरे के अंदर सिर्फ ऐब और गंदगी तलाश की जाती है। गोया दूसरों पर कीचड़ उछालना ही निजात का मुख्तसर तरीन रास्ता है। मर्दमशुमारी पर कोई समझौता नहीं होगा। MQM डट गई। वफाकी हुकूमत के सामने शदीद एहतजाज। मुतहदा और वफाकी वज़रा में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM ने कहा, मर्दमशुमारी हमारी बका का मसला है। 25 लाख घरानों को कम गिनकर 1.5 करोड़ आबादी को कम कर दिया गया। कैसे मुमकिन है कि इसको मान लें? वफाक वादे के मुताबिक अपनी हिदायत पर अमल करें। सिर्फ यकीन दहानियों से काम नहीं चलना। अदादोशुमार की दुरुस्तगी के लिए मॉनिटरिंग कमेटी तश्कील दी जाए। वफाक की MQM के तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़रा ने MQM के तमाम खदशात को तस्लीम किया। एहसन इकबाल की इदारा शुमारियात और चीफ कमिश्नर को मामला जल्द हल करने की हिदायत। कहा, तमाम खदशात और बेजाबतियों को ख़त्म करके आगाह किया जाए। MQM के ऐलामिया के मुताबिक मर्दमशुमारी पर हुकूमत का रवैया संजीदा है। मिलकर मसाइल के देरपा हल निकालने पर इत्तेफाक हुआ। निगरान हुकूमतों के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। फवाद चौधरी ने दरखास्त दायर कर दी, मौकिफ अपनाया। विफाक ने इलेक्शन के लिए 21 अरब जारी करने से इनकार कर दिया। विफाकी हुकूमत का इनकार क्या आइन के खिलाफ वर्जी नहीं? आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। आइन निगरान हुकूमतों की मियाद में तौसी की इजाज़त नहीं देता। अदालत से निगरान हुकूमतों के फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म देने के इस्तदा। दो हजार 2018 में हुकूमत बाजवा ने बनाई आलमी साजिश। बाजवा ने की तोशाखाना से घड़ियां भी बाजवा के कहने पर चोरियां की। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरीम औरंगज़ेब की लफ्जी गोलाबारी। कहा, CPAC बाजवा के कहने पर रोका, मुईशत तबाह और IMF मुआहदे के खिलाफ वर्जी बाजवा के कहने पर की। बुज़दार और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बाजवा के कहने पर लगाया। पंजाब और KPS सप्लियां बाजवा के कहने पर भी तोड़ी। तुम सिर्फ अपनी मर्जी से 55 रुपए में बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस हेलीकॉप्टर की सैर करते थे। जजों पर इल्ज़ाम तराशी नून लीग का पुराना वतीरा है। फैसले का वक्त करीब है, आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। सदर PTI परवेज़ इलाही पुरअज़्म। कहा, शहबाज शरीफ इलेक्शन से फरार की तलाश में हैं। ना अहल हुक्मरान मैं ना मानों की रट छोड़ दें। हुकूमत एक तारीख पर नहीं अपनी मर्जी की तारीख पर इलेक्शन चाहती है। कुछ सियासतदान आज भी माशाल्लाह देखना चाहते हैं। सियासी जमातों को इलेक्शन के लिए राजी करना वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मौजूदा हालात का इलाज इमरजेंसी है ना माशाल्लाह। इलेक्शन एक जमात नहीं, तमाम जमातों की मर्जी से होना चाहिए। PTI कारकुनान का एहतजाज रंग ले आया। इमरान खान ने पंजाब में टिकटों पर नजरसानी कर दी। जारी किए गए 21 टिकट तब्दील कर दिए गए। 9 नए उम्मीदवारों को भी टिकट जारी किए गए। जिन नए अरकान को सूबाई टिकट मिले उनके नाम भी सामने आ गए।